So 3.3, we'll go to question number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So such type of sums we have already done. Okay, so this will be just a revision for you. Here we go. So what we can say, let cost of each bat be rupees X and cost of each ball be rupees Y. The cost of each ball rupees X, cost of each ball bat ka X liya, ball ka Y le liya. Barabar hai. Ab according to question इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 7 bats and 6 ball, cost of 7 bats plus cost of 6 balls is equal to 3800. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, x है, और 7 खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा 7x. कॉस्ट ऑफ एक बॉल y है, 6 बॉल खरीद रहा है, कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800. कॉल दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन 1. बराबर है. फिर बी पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, यस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750. ठीक है, अब इसको भी फ्रेम कर लेते हैं. तो एक बैट x है कॉस्ट, और एक बॉल का y है, तो 3 बैट है तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. आए समझ में, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे. अच्छा, इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बोला है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट एंड सेकंड सम में तो ऑलरेडी वो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म था, तो उसको यूज़ कर लिया. यहाँ पर x और y के टर्म्स में नहीं है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेट मी डू इट, 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x. इसको यहाँ रखा, उसको वहाँ भेज दिया. देयरफॉर y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5. बराबर. अब इसको एकदम हम केयरफुली सॉल्व करेंगे. तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, 3 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो देयरफॉर ये 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, यही हमारा इक्वेशन 1 है. Therefore 7x plus 6, और y कितना है, 1750 minus 3x upon 5 is equal to 3800. बराबर है. Therefore ये 7x plus, अच्छा ये 6 into 1750 करेंगे तो ये आएगा 10500, ये चेक कर लेना, ये आएगा minus 18x. ठीक है, अपॉन 5, ओके इज इक्वल टू 3800. ऐसे उनमें देयरफॉर इसको इधर भेज दिया, तो ये 35x ओके प्लस 10500 माइनस 18x, और 5 इधर गया तो 38 इंटू 5, तो 38 इंटू 5 करके ये 44, 5 इज 15 एंड 19, दैट विल कम टू बी 19,000. है सुन में, देयरफॉर 35x माइनस 18x इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10,500. तो ये बचा आपका कितना, 17x. 35x minus 18x, 17x bacha. And this is 10,500. Sorry, not 10,000, this will be
8500, और x कितना आ जाएगा 8500 upon 17, 17 ones are 85 में 17 5s are equals to 500, x 500 मतलब एक बैड का कॉस्ट ₹500. तो पुट x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 7 1750 minus 3 x upon 5, यही है मेरा इक्वेशन 3. अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो y इक्वल्स टू 1750 minus 3 into 500 upon 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1750 minus 1500 upon 5, therefore y equals to 250 upon 5, okay, and this will give me y equals to 50. So answer kya aaya, cost of each bat is 500 and cost of each ball is ₹50. Hai samajh mein? Ab question number 4 bhi aate hain. Question number 4 ye kehta hai ki the taxi charges in a city consist of fixed charge together with a charge फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. बराबर, तो ये ऑलरेडी हमने 9th में किया था. तो टैक्सी का कॉस्टिंग है, तो कभी भी चाहे रिक्शा हो चाहे टैक्सी हो, इन सबकी एक कॉस्टिंग होती है. अगर शेयरिंग नहीं है तो, अगर पर्सनल हम जा रहे हैं मीटर से जा रहे हैं, तो एक कुछ किलोमीटर के लिए एक फिक्स चार्ज होता है. बराबर, पर 1 किलोमीटर इट विल बी फिक्स्ड, और उसके बाद हर एक 100 मीटर पर, एवरी 100 मीटर द चार्जेस इंक्रीजेस. बराबर, वो टैक्सी के लिए अलग होता है और रिक्शा के लिए अलग होते हैं. तो चार्जेस तो ऐसे ही फिक्स होते हैं, एक फिक्स चार्ज रहेगा उतने किलोमीटर के लिए, उसके बाद हर एक 100 मीटर के लिए द चार्ज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बराबर है, सो योर वी हैव समथिंग. तो फिक्स चार्ज और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. तो एक बंदा है जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एंड ही हैज़ टू पे ₹105. दूसरा इंसान 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और उसका जो चार्ज आया वो आया 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? Fixed charges क्या है, charges per kilometer क्या है, ये हमें find करना है. अच्छा, एक इंसान को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसका खर्चा कितना आएगा. So let us solve this. So what I'll say, let the fixed charge be ₹x. X मान लेते fixed charge है, and charge per kilometer, let चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y. बराबर है, तो y जो रुपीस है वो चार्ज पर किलोमीटर है, x वाला जो फिक्स्ड है. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, for distance of 10 kilometer, for distance of 10 kilometer charge kitna laga tha 105. Barabar nahi bolna 10 kilometer 105, yes it is 105. 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जब इंसान ने कवर किया तो ₹105 लगे. तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किन चीज़ों में डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड होगा फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर. बराबर है, इज इक्वल टू 105. वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस गया था. देयरफॉर फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है, 10y equals to 105. कॉल दिस योर इक्वेशन टू बी इक्वेशन 1. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज कितना हो गया था, द चार्ज वॉज 155. तो 15 किलोमीटर कैसा होगा, वो भी होगा फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, यानी 15 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, 15 इंटू
चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू 155. फिक्स चार्ज क्या है x, तो ये 15 इंटू वाई, चार्ज पर किलोमीटर y है इक्वल्स टू 155. दिस इज योर इक्वेशन टू. इक्वेशन टू को सिंप्लीफाई करते हैं. देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, ये हमारा इक्वेशन थ्री हो गया. अब इसको केयरफुली सॉल्व करके हम आंसर लेके आएंगे. सो हियर वी गो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन. तो वन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यही वन है. तो x क्या है, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105. तो ये हो गया 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105. तो y 5 माइनस 5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155 बराबर ये उधर गया. तो देखो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50 एंड देन y इज इक्वल टू 10. y 10 हो गया, यानी चार्ज पर किलोमीटर हर एक किलोमीटर के लिए कितना है, रुपीज़ 10. ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3. देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y. देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10. देयरफॉर x इक्वल्स टू 155 माइनस 150. तो x इक्वल्स टू रुपीज़ 5. तो योर वी हैव फिक्स चार्ज ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर ₹10. ठीक है, तो यहाँ पर देख भी लेते हैं. 10 10 100, 100 प्लस 5 105. 15 10 150 प्लस 5 155. नाउ द पर्सन हैज़ टू गो 25 किलोमीटर. सो फॉर 25 किलोमीटर वो भी क्या होगा, फिक्स चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, ये सुनो, विल बी इक्वल टू, फिक्स चार्ज कितना है, x है, चार्ज पर किलोमीटर 25 इंटू y, फिक्स चार्ज कितना है, ₹5. तो 25 इंटू 10, तो 250 प्लस 5 255. तो ये 25 किलोमीटर के लिए उसे भरना पड़ेगा ₹255.